ये देखिए दोस्तों, पनीर के पकोड़े और मिक्स पकोड़े हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना हलवाई जैसे, तो ये सच में खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। वो तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, तो रेसिपी को पूरा देखिए। तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एल आसमान किचन में। तो आज हम लेके आए हैं पनीर मिक्स पकोड़े की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल जो चीज़ें घर में पड़ी है उन्हीं मतलब मसालों से, उन्हीं चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पनीर के पकोड़े यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो पनीर के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं तो 6 से 7 यहाँ पे पनीर के मैंने स्लाइस कर लिए इस तरीके से, तो क्योंकि जैसे डबल मतलब स्लाइस में पनीर के पकोड़े होते हैं। तो इनकी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और लहसुन का यहाँ पे पेस्ट बना लिया था। ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालेंगे, जैसे नमक है, थोड़ा सा नमक डाल लेना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी इसमें डालनी है ये टोमेटो केचप है। आप चाहो तो यहाँ पे हलवाई वाली, अगर आपके पास जो इमली की चटनी है वो पड़ी है तो वो भी डाल लेना, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और इनको अच्छे से मिक्स करना है, और ये हमारी जो पनीर की जो स्टफिंग है वो बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अभी क्या करना है, तो एक स्लाइस इस तरीके से लेनी है और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग यहाँ पे रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ही स्टफिंग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं भरनी है, बहुत ज़्यादा मतलब आराम से थोड़ी सी इस तरीके से लेयर बनानी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, वरना क्या है कि फ्राई करते टाइम ये पकौड़े हैं जो खुल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे के सारे पनीर के जो पीसेज हैं उनको इस तरीके से स्टफ़ यहाँ पे कर लेना है, और इनको बहुत ही बढ़िया से ये देखिए रेडी यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 मैंने लिए मीडियम साइज़ के आलू, जिनको पहले ही बॉयल कर लिया था। तो बॉयल करने के बाद इनका छिलका निकाल के अच्छे से इनको मैश कर लेना है। तो अभी इनमें से आधा हिस्सा इन आलुओं का एक तरफ रख लेना है, और एक हिस्सा यहाँ पे हम रखेंगे इनका, हम आलू वड़ा बनाएंगे। तो आलू वड़ा बनाने के लिए आलू में थोड़े से यहाँ पे प्याज डाले हैं मैंने, और थोड़े से और बाकी जो जो स्टफिंग थी ना वो पनीर वाली, वो इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है। थोड़ा सा इससे बहुत ही बढ़िया मतलब टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे साबुत धनिया डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, और बाकी इसमें थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी, और लगभग 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इनको बढ़िया से सारे मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं, अभी इनको मिक्स करना है। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करना है। अभी इनको शेप नहीं देनी है, शेप हम जब फ्राई करेंगे तभी इनको देंगे, और अच्छे से इनको मिक्स करके बढ़िया से यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे रख देना है। तो देखिए इस तरीके से बढ़िया से बना के यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे रख देना है। तो अभी है दोस्तों, हम यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं। तो ब्रेड के लिए जो हमने अलग थोड़ी सी आलू जो बॉयल किए हुए आलू अलग से लेके रखे थे, वो यहाँ पे ले लेने हैं। और यहाँ पे 4 ब्रेड का मैंने यूज़ किया है, तो लगभग थोड़ी क्वान्टिटी में ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से आलू में थोड़ी सी जगह बनानी है, और उसमें हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे डालना है नमक। तो इन मसालों को आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और थोड़ी सी यहाँ पे डालनी है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर डालना है, और थोड़ा सा यहाँ पे डाला है मैंने चाट मसाला। तो चाट मसाला से थोड़ा सा बढ़िया सा वो तीखापन आता है, और अच्छे से इनको मतलब बढ़िया से स्टफ़ है जो स्टफिंग है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही बढ़िया से, ताकि मसाले अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। अभी एक ब्रेड की एक स्लाइस लेनी है इस तरीके से, और उसके ऊपर स्टफिंग को अच्छे से फैला देना है। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसमें भी नहीं भरनी है, मतलब हल्की सी लेयर बनानी है। तो इस तरीके से लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्रेड की है जो स्लाइस दूसरी रखनी है। तो ये देखिए ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो दूसरा भी इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। तो अभी इन तीनों चीज़ों के लिए बैटर बनाएंगे, पनीर पकोड़ा वड़ा और ब्रेड पकोड़ा के लिए हम बेसन का बैटर बनाएंगे। तो एक साथ ही इन तीनों का बैटर बना लेना है। तो ये देखिए बेसन हमने यूज़ किया, तो बेसन यहाँ पे इतना यूज करना है कि तीनों के तीनों जो हमारे ब्रेड, पनीर और जो वड़ा है तीनों यहाँ पे बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो इनको पतला सा मतलब बैटर यहाँ पे बना के रेडी करना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ आगे वीडियो में। तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। थिक बैटर पहले रेडी करना है।
ताकि इसकी गुठलियाँ या लम्स वगैरह जो ना बने। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से बहुत ही बढ़िया से फेंट लेना है ताकि बढ़िया से बेसन और पानी है जो आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा ही थिक है, तो पहले इसमें थोड़े से मसाले जो हमने डालने हैं वो डाल लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। तो हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हम नमक, क्योंकि लेयर में भी ना थोड़ा सा मसालों का टेस्ट आना चाहिए। और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो जाएंगे। तो अभी बैटर थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा थिक है, इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पानी हमने इसमें और ऐड करना है। तो देखिए थोड़ा सा पानी, लगभग थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच पानी और डाला है, तो इससे ये बिल्कुल पतला यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए बहुत ही बढ़िया से इसको पतला कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके की थिकनेस आपको रखनी है, बिल्कुल इस तरीके का ये बैटर है जो हमारा होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा। तो देखिए तीनों पकौड़ों के लिए बैटर बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम बनाते हैं प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के यहाँ पे प्याज को मैंने काट लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितने पकौड़े आपने बनाने हैं उस तरीके से बन सकते हैं। तो ये लगभग 8 से 10 पीस बन के रेडी होंगे 3 प्याज से। तो अभी इसमें बेसन ऐड करना है। तो बेसन इतना ऐड करना है कि बढ़िया से मतलब प्याज के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए, प्याज मतलब सूखे सूखे ना रहे। तो पहले 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे डाल के देखेंगे इसमें और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे कि कितनी कोटिंग आ रही है इन पे। तो देखिए बढ़िया से बेसन को छान लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी इसमें मतलब कचरा वगैरह ना रहे। तो ये देखिए बेसन डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बढ़िया से मिक्स करके पहले हम चेक करेंगे कि बेसन मतलब पूरा है या थोड़ा कम रहेगा। तो अभी ये बेसन थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर कोटिंग आएगी नहीं। तो 2 चम्मच बेसन मैंने और डाल दिया। तो इसको डालने के बाद और थोड़ी सी यहाँ पे डालनी है हरी मिर्ची। तो 1 मीडियम स्पाइसी यहाँ पे हरी मिर्ची का मैंने यूज किया है, और उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे साबुत धनिया, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे जीरा, मतलब सॉरी कसूरी मेथी, और उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जीरा और लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे डाला है नमक। और इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, इसलिए मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी डाल देनी है, और उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये अपना थोड़ा सा चाट मसाला, और उसी के साथ यहाँ पे डाला है थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला, और इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। बिल्कुल बढ़िया से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि मसाले बहुत ही बढ़िया से मतलब बेसन के अंदर बढ़िया से मिल जाएँ। तो अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकौड़ों को करारा बनाने के लिए, मतलब क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों के तेल से क्या होगा कि पकौड़े बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, मतलब कड़क बनेंगे, वो ढीले ढीले नहीं रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल यहाँ पर ऐड किया है हल्का सा। तो अभी ये बन के हमने रेडी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और बेसन को जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से मतलब इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थिक ही रखना है, तभी वो पकौड़े हैं जो करारे बनेंगे हमारे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको थोड़ा सा थिक ही मतलब यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए हमने सारे के सारे यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं, ये आलू बड़े का जो बैटर है, और उसके अलावा ये स्टफिंग, पनीर स्टफिंग यहाँ पे करके रख दिया है, और उसी के साथ यहाँ पे ब्रेड को भी स्टफ करके रख दिया है। और इन तीनों को मतलब बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे हमने लिया है बेसन का जो पेस्ट, हमने जो बैटर बनाया था इस तरीके का, वो बेसन का बैटर भी यहाँ पे रख लिया है, और उसी के साथ ये अपने प्याज के पकौड़े हैं। तो सारे के सारे अभी रेडी हो चुके हैं, तो अभी इनको फ्राई करना शुरू करेंगे हम। तो देखिए तेल हमने पहले ही रख दिया था, तो ये देखिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, सरसों के तेल का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखिए बैटर जो ब्रेड है, सबसे पहले ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो ब्रेड को हल्का सा इस तरीके से मतलब बैटर के अंदर रखना है, और उसको डायरेक्टली तेल में डाल देना है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, तेल मतलब मीडियम लो फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का इनको मतलब हाफ फ्राई करेंगे पहले हम इनको, और उसके बाद कटिंग करके इनको दोबारा फ्राई करेंगे। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, ताकि जो बेसन है हमारा बहुत ज़्यादा मतलब कलर ऊपर नहीं आना चाहिए, और अंदर की चीज़ें बढ़िया से पक जाएं। तो ये देखिए एक ब्रेड यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो अभी इसी तरीके से दूसरा भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे, और बिल्कुल बढ़िया सा हाफ फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं आने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको पकाना है। तो अभी पनीर के पीसेज हैं, पनीर भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बढ़िया से घुमा घुमा के अच्छे से इस पर कोटिंग कर देनी है।
तो देखिए सारे के सारे पनीर के पीसेज एक साथ ही डाल दिए हैं। तो ये देखिए हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए बेसन तो इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आँच है जो गैस की, वो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको कम रखना है, तेज नहीं रखना, वरना क्या होगा कि पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों जब भी पकौड़ों को हाफ फ्राई किया जाता है ना, कभी भी हाफ फ्राई करना हो, कोई भी तरीके का पकौड़ा हो, तो उसको हमेशा लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि जो बेसन है ना वो बहुत जल्दी पक जाता है। अगर उसको तेज आंच पे किया जाएगा तो बेसन है जो वो बहुत जल्दी पक जाएगा और जो उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट है, प्याज वगैरह या जो भी डाले हैं, वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस वजह से जो अंदर के जो इंग्रेडिएंट है उनको पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए मतलब जो लो फ्लेम पे ही हाफ फ्राई करें तो वो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आलू बड़ा है जो, उसको मतलब इस तरीके से गोल शेप में करना है और बेसन में डिप करना है और डायरेक्टली तेल में डाल देना है। तो इसी तरीके से देखिए सारे के सारे यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। तो ये दो पहले डाले थे जो पक चुके हैं, इनको निकाल लेना है। अभी बाकी के आलू बड़े हैं वो भी यहाँ पे पक रहे हैं। तो ये देखिए तीन पीस लगभग आलू बड़े के जो पांच पीस बन के यहाँ पे रेडी हुए हैं। तो ये देखिए आलू बड़े भी फ्राई हो चुके हैं। तो अभी प्याज के पकौड़े इस तरीके से हाथ में लेना है और डायरेक्टली बिना कोई शेप दिए, कोई भी शेप नहीं देनी है, बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से उठाना है, हल्का सा हाथ में घुमाना है और इसमें तेल में यहाँ पे डाल देना है। तो बिल्कुल इस तरीके से सारे के सारे पकौड़े लगभग आधे हमने यहाँ पे डाल दिए। तो इनको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, क्योंकि इनमें प्याज ज़्यादा है, प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इनको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट यहाँ पे इनको इसी तरीके से पकाना है और उसके बाद जब भी मतलब बेसन पे थोड़ा सा कलर आ जाए तो इनको यहाँ पे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इनको हमने ब्राउन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हम कटिंग करके इनकी दोबारा फ्राई इनको करेंगे, तो इसलिए इनको हाफ फ्राई करना है। तो अभी ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा झाग आना जब बंद हो जाए तो मतलब ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी ये देखिए झाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अभी इनको यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से तेल को छान देना है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई नैपकिन वगैरह या कोई भी पेपर वगैरह नीचे रख लेना है, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो मतलब निकल जाए, वो मतलब जो कागज़ होता है वो सोख लेता है। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। तो सारे के सारे पकौड़े देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो ये देखिए पनीर के और ब्रेड और यहाँ पे प्याज के पकौड़े। तो अभी क्या करना है कि इनको जो ब्रेड है ना इनको काटना है बीच में से। तो चाहो तो आप बीच में से भी कट लगा सकते हो, मैं इस तरीके से मतलब तिरछे इनको काट रहा हूँ बिल्कुल ट्रायंगल शेप में। तो इस तरीके से जैसे ब्रेड पकौड़ा आपने देखा होगा मार्केट में, लगभग ऐसे ही उसको काटा जाता है। तो बीच में से इस तरीके से काट लेना है और पनीर को भी ऐसे बीच में से काट लेना है इस तरीके से। तो पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिस तरीके से, और पनीर को बीच में से काटना है और ब्रेड को आप जैसे मर्जी चाहो आप काट सकते हो, इससे छोटे पीस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आलू बड़ा है, आलू बड़े को आप दो तरीके से फ्राई कर सकते हो। इसको या तो आप डायरेक्टली ऐसे बिना काटे मतलब तेल में डाल दो, या मतलब इसको आप काट के भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से ही कर रहा हूँ। तो कुछ पीस को यहाँ पे आलू बड़े के कुछ पीस को यहाँ पे काट लेता हूँ और कुछ को ऐसे मतलब सीधे डायरेक्टली यहाँ पे फ्राई कर लूँगा। तो ये देखिए ब्रेड और पनीर आलू बड़ा सब कट चुके हैं। तो अभी दूसरे जो प्याज के पकौड़े हैं इनको भी कट करना है बीच में से। तो दोस्तों इनको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर तक ये पकने चाहिए, कि ये देखिए बेसन थोड़ा सा अंदर का जो कच्चा रह जाता है, तो इनको दोबारा फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए कटिंग सारी की सारी हो चुकी है। तो अभी इनको हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो अभी चलो ले चलते हैं इनको गैस पर दोबारा से। तो यहाँ पर तेल को देखिए, अभी तेल को क्या है कि फुल हाई फ्लेम पे रखना है। यहाँ पे तेल फुल गर्म होना चाहिए और फुल गर्म गर्म तेल में यहाँ पे डालना है। यहाँ पे तेल को स्लो मत रखना, वरना क्या है कि पकौड़ों में जो है ऑयल रह जाता है, तेल पकौड़ों में रह जाएगा। तो इनको फुल आंच पे रखना है, ताकि इनके अंदर ऑयल ना रहे और ये बढ़िया से क्रिस्पी यहाँ पर फ्राई हो जाए। और जितना तेल यहाँ पर गर्म होगा उतने ही क्रिस्पी यहाँ पर पकौड़े बन के यहाँ पर रेडी होंगे। तो ये देखिए ब्रेड, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेना है, तो लगभग 1-2 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखिए दूसरे पीस भी यहाँ पे फ्राई कर लिए, और उसी के साथ अभी डालते हैं पनीर के पीस। तो पनीर के सारे पीस एक साथ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो पनीर को भी बिल्कुल हाई फ्लेम पर बढ़िया से यहाँ पर पका लेना है। तो मतलब दोबारा फ्राई करते टाइम गैस को फुल हाई फ्लेम पर रखना है, ताकि ये बढ़िया से मतलब क्रिस्पी हो जाएँ। अगर गैस स्लो रखेंगे तो क्या होगा कि पकौड़े में तेल रह जाता है। तो इनको फुल हाई फ्लेम पे यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए दोस्तों ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेना है। हल्का सा देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सा कलर इन पे आ चुका है, बिल्कुल ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो अभी दूसरे पकौड़े यहाँ पे प्याज के पकौड़े भी डाल दिए हैं, इनको भी फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो लगभग तेज आँच पर इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, बिल्कुल बढ़िया से ये फ्राई यहाँ पर हो जाते हैं।
तो अभी देखिए आलू बड़े भी इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए आलू बड़े को भी यहाँ पे फ्राई कर लिया। आलू बड़े कुछ काट के मैंने फ्राई किए हैं और कुछ सीधे ही मतलब यहाँ पे डायरेक्टली फ्राई यहाँ पे कर लिए हैं। तो ये देखिए पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके ये रेडी हुए हैं। बिल्कुल हलवाई जैसे जैसे आप मार्केट वगैरह में खाते हो वैसे पकौड़े अब आप अपने घर पर भी बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बाय, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।